राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 20। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 20। अरामियों पर विजय। और अराम के राजा बेंदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शोमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। और उसने नगर में इस्राएल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा कि बेंदद तुझसे यो कहता है कि तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियों और लड़के बालों में से जो उत्तम उत्तम है वह भी सब मेरे हैं। इस्राएल के राजा ने उनके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेंदद तुझसे यो कहता है कि मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ ढांढ करेंगे और तेरी जो जो मनभावनी वस्तुएं निकाले उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। तब इस्राएल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलवाकर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां बालक चांदी सोना मंगा भेजा है और मैंने इनकार न किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी न सुनना और न मानना। तब राजा ने बेंदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से कहो, जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वह तो मैं करूंगा, परंतु यह मुझसे न होगा। तब बेंदद के दूतों ने जाकर उसे यह उत्तर सुना दिया। तब बेंदद ने अहाब के पास कहला भेजा, यदि शोमरोन में इतनी धूली निकले कि मेरे सब पीछे चलने हारों की मुट्ठी भरकर अट जाए तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन ऐसे से भी अधिक करे। इस्राएल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो कि जो हथियार बांधता हो वह उसकी नाई न फूले जो उन्हें उतारता हो। यह वचन सुनते ही वह जो और राजाओं समय डेरों में पीक रहा था उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पांति बांधो। वह तब उन्हें नगर के विरुद्ध पांति बांधी। तब एक नबी ने इस्राएल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यो कहता है कि यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सबको मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा, इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। अहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यो कहता है कि प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। तब उसने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले। और उनके बाद उसने सब इस्राएली लोगों की गिनती ली और वे 7,000 निकले। ये दोपहर को निकल गए। उस समय बेंदद अपने सहायक 3200 राजाओं समेत डेरों में दारू पीकर मतवाला हो रहा था। प्रदेशों के हाकिमों के सेवक पहले निकले। तब बेंदद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, शोमरोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वे मेल करने को निकले हो चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लाओ। तब प्रदेशों के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने के पुरुषों को मारने लगे और अरामी भागे और इस्राएल ने उनका पीछा किया। और अराम का राजा बेंदद सवारों के संग घोड़ों पर चढ़ा और भागकर बच गया। तब इस्राएल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। तब अराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है,
इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। और यह भी काम कर, अर्थात सब राजाओं का पद ले ले और उनके स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। फिर एक और सेना जो तेरी उस सेना के बराबर हो जो नष्ट हो गई है, घोड़े के बदले घोड़ा और रथ के बदले रथ अपने लिए गिन ले। तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़े और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उनकी यह सम्मति मानकर बेंदद ने वैसा ही किया और नए वर्ष के लगते ही बेंदद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इसराइल से लड़ने के लिए अपेक को गया और इसराइल भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब वे उनका सामना करने को गए और इसराइली उनके सामने डेरे लगाकर बकरियों के दो छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर के उसी जन ने इसराइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है परंतु नीची भूमि का नहीं, इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब तुम्हें बोध हो जाएगा कि मैं यहोवा हूं। और वे 7 दिन आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और 1 दिन में इसराइलियों ने 100,000 अरामी प्यादे मार डाले। जो बच गए वह आपेक को भागकर नगर में घुसे और वहां उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहरपनाह की दीवार के गिरने से दबकर मर गए। बेंदद भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कोठरी में गया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, हमने तो सुना है कि इसराइल के घराने का राजा दयालु राजा होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधे हुए इसराइल के राजा के पास जाने दे, संभव है कि वह तेरा प्राण बचा ले। तब वे कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधकर इसराइल के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेंदद तुझसे कहता है, कृपा करके मुझे जीवित रहने दे। राजा ने उत्तर दिया, क्या वह अब तक जीवित है? वह तो मेरा भाई है। उन लोगों ने उसे शुभ शकुन जानकर फुर्ती से बूझ लेने का यत्न किया कि यह उसके मन की बात है कि नहीं, और कहा, हाँ, तेरा भाई बेंदद। राजा ने कहा, जाकर उसको ले आओ। तब बेंदद उसके पास निकल आया और उसने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब बेंदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे उनको मैं फेर दूंगा, और जैसे मेरे पिता ने शोमरोन में अपने लिए सड़कें बनवाई है वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। अहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूं। तब उसने बेंदद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, जो ही तू मेरे पास से चला जाएगा तो ही सिंह से मार डाला जाएगा। तब जो ही वह उसके पास से चला गया त्यों ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला और उससे भी उसने कहा, मुझे मार, और उसने उसको ऐसा मारा कि वह घायल हुआ। तब वह नबी चला गया और आंखों को पगड़ी से ढांपकर राजा की बाट जोहता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। तब राजा पास होकर जा रहा था, तब उसने उसकी दोहाई देकर कहा कि जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि यह किसी रीति छूट जाए तो उसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो किक्कार भर चांदी देना। इसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, फिर वह न मिला। इसराइल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने आप अपना न्याय किया है। नबी ने झट अपनी आंखों से पगड़ी उठाई।
तब इसराइल के राजा ने उसे पहचान लिया कि वह कोई नबी है। तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यो कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिसे मैंने सत्यानाश हो जाने को ठहराया था, तुझे उसके प्राण की संति अपना प्राण और उसकी प्रजा की संति अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। तब इसराइल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला और शोमरोन को आया।